हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइल लूप की। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि लूप्स क्या होते हैं। तो पीएचपी में पहला लूप है जिसका नाम है व्हाइल। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाइल लूप होता क्या है। अ व्हाइल लूप इन पीएचपी इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल लूप एग्जीक्यूट तब होता है जब तक उसके अंदर जो कंडीशन हमने पास करी है वो जब तक ट्रू है। इट एवेल्यूट्स द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक ऑफ कोड। ये करता है जो भी कंडीशन होती है उसको कोड को एग्जीक्यूट होने से पहले चेक करता है। एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू, और अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड इनसाइड द लूप इज एग्जीक्यूटेड, और जो भी कोड है लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। द प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल द कंडीशन इज फॉल्स, और जो भी वो और ये लूप जब तक चलता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसका सिंटैक्स है, इसके लिए हम लिखते हैं वाइल कीवर्ड वाइल, और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं कंडीशन पास करते हैं, और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट कराना होता है वो हम लिखते हैं। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे मैंने काउंटर वेरिएबल लिया है, इसमें मैंने वन असाइन कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि वाइल काउंटर इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, काउंटर की वैल्यू 5 के इक्वल होती है, 5 से लेस देन होती है, तब तक ये चले। तो क्या करते हैं यहाँ पे, हम प्रिंट करा रहे हैं द वैल्यू ऑफ काउंटर इज, और डॉलर काउंटर वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं, और लास्ट में हम काउंटर वेरिएबल को +1 से इंक्रीमेंट करा रहे हैं। तो क्या होगा, पहले फर्स्ट टाइम काउंटर की वैल्यू 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ काउंटर इज 1। नेक्स्ट अब काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2, काउंट 2 इज लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू, तो काउंटर द वैल्यू ऑफ काउंटर इज 2। तो ऐसे करते थे, लास्ट में जब 5 आएगा काउंटर की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो कंडीशन, तो लास्ट में द वैल्यू ऑफ काउंटर इज 5। अब जब 5 के बाद +1 हुआ 6, तो काउंटर की वैल्यू 6 हो गई, तो 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, जो कि कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस केस में ये बाहर आ जाएगा, तो हमें प्रिंट कर देगा आउटपुट द वैल्यू ऑफ काउंटर इज 1 टू लेकर 5 तक। सो आइए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारे एडिटर के अंदर। सो गाइस, मैं मेरे एडिटर पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट करी है वाइल लूप डॉट पी एच पी के नाम से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने सेम प्रोग्राम डिस्कस किया था उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ काउंटर नाम से, और इसमें मैं साइन कर देता हूँ 1, ठीक है। अब हम चलाते हैं वाइल लूप, तो लिखेंगे वाइल, और इसके बाद इसमें कंडीशन पास करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा काउंटर वेरिएबल है चेक हो इस लेस देन और इक्वल टू हो 10 तक, अगर 10 या 10 से लेस देन होता है तो प्रिंट कर दे काउंटर की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लूँगा, और इसके अंदर मैं प्रिंट करूँगा द काउंटर इज, और काउंटर की वैल्यू है काउंटर वेरिएबल में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा दूँगा, ठीक है। और काउंटर में वैल्यू इंक्रीज करने के लिए मैं काउंटर ++ कर दूँगा ताकि 1 से इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। सेव करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा और इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा पाथ को, और एस टी डॉक से हटा के यहाँ पे मैं लिख दूंगा लोकल होस्ट, और जैसे ही एंटर मारूंगा तो देखो प्रिंट हो रहा है द काउंटर इज 1, काउंटर इज 2, 3 लेकर 10 तक, क्योंकि हमने ये कंडीशन लगाई है कि काउंटर 10 या 10 के इक्वल हो तो प्रिंट करे काउंटर की वैल्यू। और काउंटर ने क्या किया कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया, 10 तक कंडीशन ट्रू थी, जैसे ही इस काउंटर की वैल्यू 11 हुई तो 11 पे क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये टर्मिनेट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाइल लूप जब एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है, तो इसने पहले कंडीशन चेक करी और इसने 10 तक प्रिंट कर दिया। सो इस तरह ये वाइल लूप का ये छोटा सा एग्जाम्पल था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डू व्हाइल लूप।